तो इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ में मौजूद है और अपने सदर विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में वो लोगों से जो है जनसंपर्क जो है कर रहे हैं, लगातार कैंपेन में है। सर, सबसे बड़ा सवाल तो आपसे ये है कि आपने गोरखपुर विधानसभा को ही क्यों चुना फाइट करने के लिए, जबकि आपका ये पहला चुनाव है? उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है ना सबसे ज़्यादा, तो वो योगी आदित्यनाथ जी का, जो मुख्यमंत्री है, और यहाँ जो उनके खिलाफ बोलता है वो उस पर राशुका लगाते हैं। इसी जिले में 15 लोगों पर राशुका लगी। अब मैं नहीं चाहता ना जिस आदमी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया वो दोबारा से सदन में जाए, और लड़ा मुकाबला टक्कर के लोगों में होता। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से मैं सबसे मजबूत दावेदार हूँ, और यूपी में भाजपा की तरफ से वो सबसे मजबूत दावेदार है। तो हमने ये तय किया था कि जहाँ से वो लड़ेंगे वहीं से लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया ना, जैसे साजिश वो करते आए, उन्होंने साजिश की कि उन्होंने गोरखपुर मथुरा का जिक्र किया, मथुरा और अयोध्या का, और इधर परिसीमन करा के 40 से 45 हज़ार मुस्लिम वोट जो है ना वो ग्रामीण में शिफ्ट करा दिया। तो ये एक षड्यंत्र किया उन्होंने, लेकिन फिर भी यहाँ बहुजन समाज के लोगों का बहुत वोट है, और उन लोगों का भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार से मुक्ति चाहते हैं। तो मैं 2 दिन से प्रचार में हूँ, खूब आनंद आ रहा है, और लोग मन बना चुके हैं कि वो परिवर्तन चाहते हैं। 1998 से 2014 तक 5 बार MP रहे वो। कैसे भैया, मदद कराइएगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो 1998 से 2014 तक 5 बार यहाँ के लोगों ने उनको MP बनाया, और 5 साल से मुख्यमंत्री, 17 से लेकर 22 तक। अब आप ये देखिए ना क्या हाल है। मैं कल वहाँ था, मठ से 300 मीटर की दूरी पे मात्र, और वहाँ पानी भरा हुआ है, आप मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते। मैं आपको लेके चलूँगा उस क्षेत्र में, आप देखना। आप ये बताओ ये किस तरह का विकास है जो मठ से 300 मीटर पे नहीं हुआ है। तो जिस आदमी ने सत्ता के बल पे तानाशाही करके उत्तर प्रदेश के लोगों को ठगने का काम किया, अब उसी सीट से हम लोगों के दिलों में जगह बना के, लोगों का दिल जीत के, अब तक ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जाना जाता था, अब ये चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाएगा। इस प्यार को बनाने, इस विश्वास को जीतने के लिए मैं यहाँ। जी चंद्रशेखर जी, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी से जो है मुकाबला करने की बात कही, और जो लाइन सीधी सीधी वहीं से है। योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान है अभी हाल ही में कि जो बुलडोज़र है वो मरम्मत के लिए दिए गए हैं, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, तानाशाही और बौखलाहट में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, अगर जो विकास किया होता, जनता के हित के काम किए होते, तो ये सब चीज़ें यूज नहीं करनी पड़ती। ये जो डर उनके अंदर दिख रहा है उसी से इस तरह के शब्द निकल रहे हैं, और मरम्मत के लिए दे दे बुलडोजर या नए मंगा ले। जनता जो बुलडोजर चला रही है ना, वो इस बार उनको खुद एहसास हो जाएगा कि जमानतें जब्त होनी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। खूब बुलडोजर चलवा दे, लेकिन ये याद रखें कि जनता उनको घुसने नहीं दे रही क्षेत्रों में। हम आपके यहाँ प्रत्याशी हैं।